लंबे समय से कोरोना महामारी के चलते स्थगित पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अब अपनी कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। निर्देश में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि अब सभी वोटरों का वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी होगा, तभी वो मतदान कर पाएंगे। इसके साथ ही वोटरों के साथ जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके साथ सुरक्षा बलों का भी वैक्सीनेशन अब बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बाद ही वो मतदान कर सकेंगे। ये निर्देश दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। इसके साथ ही कहा गया है कि जो वर्तमान मुखिया होंगे उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर बूथ बनेंगे, जहां पर मतदान होंगे, जहां पर वोट डाले जाएंगे। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि संक्रमण के खतरे के बिना चुनाव संपन्न हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अब सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि चुनावों में वोट डालने वाले वोटर्स का वैक्सीनेशन होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से वोटरों का भी वैक्सीनेशन कराने की बात कही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सभी वोटरों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मियों और सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा बलों के वैक्सीनेशन की भी बात कही गई। एक जानकारी के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या 5 करोड़ के करीब है। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि जिलों में दूसरे शहरों से ड्यूटी कार्य में लगने वालों की कोविड जांच अवश्य कराई जाए और इसके साथ ही उनको काम पर लगाया जाए। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में 5 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने को कहा है। चुनाव आयोग ने जिले के अधिकारियों को सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनावों को 10 चरणों में कराने का फैसला किया है। चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तक किसी भी तरह की घोषणाएं नहीं की गई है। उम्मीद है कि जुलाई महीने के मध्य तक चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकेगा। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक अभी निर्धारित कार्यक्रम में एक दिन प्रपत्र 5 में प्रकाशन के लिए होगा, जबकि वहीं 7 दिन नामांकन के लिए निर्धारित होंगे, 3 दिन स्क्रूटनी के लिए होंगे और 2 दिन नाम वापसी के लिए होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सभी पुराने और जर्जर भवनों में बने बूथों को तत्काल बदलने का निर्देश दिया है। पंचायत में पुराने भवनों की जगह पर नए कोई भी सरकारी भवन में बूथ ले जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग सुरक्षित और सही तरीके से मतदान कर सकें।